दिया जाता है और अंतिम पद भी दे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको एपी दे दिया गया 3 6 9 डिटो डिटो, 3 6 9 डिटो डिटो, मान लीजिए आपको दे दिया गया 33, 33 दे दिया गया। अब कहेगा कि इसमें एन का मान निकाले, एन का मान क्या होगा, एन का मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पता करेंगे कि ए का मान कितना है, डी का मान कितना है, ए एन का मान कितना है। तो ए का मान कितना है बताइए, ए का मान होता है प्रथम, मतलब ये माने होता है प्रथम पद, तो पहला पद क्या है 3, तो ए इक्वल टू 3। अब निकालेंगे डी का मान, तो डी का मान कैसे निकालते हैं, ए टू माइनस ए वन या ए थ्री माइनस ए टू। तो ए टू माइनस ए वन, हाई हो गया ए वन, हाई ए टू, हाई ए थ्री, तो ए टू माइनस ए वन, तो ए टू का मान है 6 माइनस ए वन का मान 3, तो 6 माइनस 3, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 6 माइनस 3 जाएगा तो 3, डी का मान निकल गया। अब हमको ए एन का मान चाहिए, तो ए एन होता है अंतिम पद जो लास्ट में है, तो लास्ट में क्या है 33, तो ए एन बराबर कितना हो जाएगा 33। जो अंतिम में हो, सबसे लास्ट में हो, उसको क्या कहेंगे, अंतिम पद ए एन कहेंगे। तो ए का मान, डी का मान और ए एन का मान आ गया, हमको क्या निकालना है, एन का मान निकालना है। बस फार्मूला वही लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला। ए एन का मान कितना है 33, तो यहाँ पर 33 लिखेंगे, प्लस ए का मान कितना है 3, तो 3 लिखेंगे, प्लस एन माइनस वन ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि हमें एन का मान निकालना है, तो एन की जगह पे हम कुछ नहीं रखेंगे, एन का मान हमको पता करना है कि कितने पद इसमें है कि 33 हो रहा है, इंटू डी का मान, तो डी का मान कितना है हमारा, डी का मान 3, तो यहाँ पर 3 रख देंगे। फिर से समझिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अगर आपको एन का मान निकालना हो तो यही फार्मूला यूज करना है, अगर ए का मान दे दिया हो, डी का मान दे दिया हो और ए एन का मान दे दिया हो तो एन का मान निकालना है, तो यही फार्मूला आपको यूज करना है। अब इसका फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए एन का मान कितना है इसमें, ए एन का मान 33, तो एन का मान 33 हो गया, इक्वल टू ए का मान कितना है 3, तो 3 लिखेंगे, प्लस एन माइनस वन वैसे ही लिखेंगे क्योंकि हमें एन का मान नहीं पता है, इंटू डी, डी का मान हमको पता है तो डी की जगह पे 3। अब यहाँ पे 33 है तो 33 लिखेंगे, यहाँ पे इधर में 3 है तो इधर आएगा, तो माइनस 3 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 3, तो 33 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 30 बराबर एन माइनस वन इंटू 3। अब देखिए क्या करेंगे, ये तो 3 इसके गुणा में है, इसको इसके बटे में ला देंगे, तो 30 बटे 3 कर देंगे, यहाँ पे जो गुणा गुणा में होता है उसको यहाँ पे बटे में कर दिया जाता है, इक्वल टू एन माइनस वन, तो 10 30 हो जाएगा, 10 30 10 बार में कट गया तो 10 इक्वल टू एन माइनस वन, तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे माइनस वन है इधर आएगा तो प्लस वन, 11 बराबर एन, तो एन का मान हमारा कितना आ गया 11। तो ये हो गया आपका बेसिक ए का मान निकालने का, डी का मान निकालने के लिए, ए एन का मान निकालने का, एन का मान निकालने का, तो ये सब होता है एपी में बेसिक चीज़। अब एपी में आपको दिया जाता है कि पदों का योगफल ज्ञात करें, मतलब एसएन पदों का योगफल, सम ऑफ नंबर कितना होगा, कितने संख्या इसमें आ रहे हैं, कौन से पद किस नंबर पे आ रहा है, ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपको हम एक और चीज़ सिखा दे रहे हैं, एक बार और रिपीट करा दे रहे हैं कि मान लीजिए आपको यही एपी दे दिया जाए 3 6 9 डिटो डिटो करके दे दिया जाए और पूछेगा कि 15वां पद निकाले, कितना पद निकालना है, 15वां पद, 15वां पद क्या होगा, 15वां पद निकाले, 3 6 9 डिटो डिटो करके दे देगा, कहेगा 15वां पद निकाले, 15वां पद निकाले। मान लीजिए आपको माइनस में करके दे दिया, -3 -6 -9 डिटो डिटो का 15वां पद निकाले, तो सिंपली वही फॉर्मूला यूज करना है, हमको क्या निकालना है, 15वां पद, तो ए 15 हमको निकालना है, ए 15 ही ना हमको निकालना है, 15वां पद कहेगा तो ए 15, ए 16वां पद कहेगा तो ए 16, 18वां पद कहेगा तो ए 18। तो अब ए का मान लिखेंगे, तो ए का मान कितना है -3, तो यहाँ पे -3 लिखेंगे, डी का मान कितना होगा a2 - a1, तो a1 का मान a2 का मान a और a3 का मान a। आप चाहे तो d का मान a3 - a2 करके भी लिख सकते हैं या a2 - a1 करके भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमने a3 - a2 से कैसे लिखा रहे हैं, a3 - a2 से भी d का मान निकल जाता है। देखिए a3 का मान कितना है -9, तो -9 लिख देंगे,
माइनस ए टू का मान कितना है, -6, तो -6 यहाँ पे लिख देंगे, -9 का -9 लिखेंगे, और ए माइनस गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 6। अब 9 में से 6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 में से 6 हो जाएगा तो यहाँ पे -3, तो डी का मान आ गया -3। अब हमको क्या निकालना है, 15वां पद। तो अभी आपको बताया गया कि 15वें पद, कोई भी पद निकालना हो तो ए का ए लिखे और प्लस उसमें से एक कम करके, यहाँ पे 15वां पद है तो यहाँ पे 14 लिख दें और इसमें डी लगा दें, तो ए 15 का मान हो जाएगा ए प्लस 14 डी। तो ए का मान कितना है, -3, तो -3 रखेंगे, प्लस 14, डी का मान -3, तो डी का मान -3 रख दिया हमने। तो -3 प्लस में माइनस से गुणा हो जाएगा तो कितना होगा, प्लस में माइनस से गुणा हो जाएगा, तो -14 * 42। अब देखिए दोनों साइन क्या है, निगेटिव है, मतलब दोनों में क्या लगा है, माइनस लगा है, तो -3 और -42 -45, मतलब ए 15 का मान हमारा -45 होगा। आपको हम एक देते हैं, माइनस